Hey guys, welcome back to my YouTube channel, which is Virinder Singh. तो अभी हम जा रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर लाने. हमारे घर से लगभग अप्रोक्सीमेटली 18-19-20 किलोमीटर दूर है गणपति पंडाल, जहाँ से हमने मूर्ति सिलेक्ट की है. कल गणेश चतुर्थी का जो मूर्ति स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह सुबह शार्प एट 7:30 AM सुबह सुबह 7:30 बजे ही मुहूर्त निकला है. तो पंडित जी से पूछ के हमने जो पता किया तो पता चला कि आज सारा दिन का मुहूर्त है. किसी भी वक्त हम ला सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा अपने घर पे ला सकते हैं और सुबह स्थापना हो जाएगी. तो गाइस, एज यू कैन सी कितनी बारिश हुई है. लगभग 11 बजे का निकला हूँ, अभी 1 बजे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं, हम तीनों जने जा रहे हैं गणेश की मूर्ति अपने घर लाने के लिए. तो यार, लेट्स गो. तो गाइस, कैमरे में आ जा. हम तीनों जने जा रहे हैं गणेश की मूर्ति लाने के लिए. अभी कई सारे लोग सारे लोगों को वैसे पता ही है, पर कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये मतलब कि ये कैसे लेने जा रहे हैं, कि बिना ढोल नगाड़ के. उसके पीछे भी एक रीज़न है, कुछ सर्वल रीज़न है, पर्सनल यू नो फैमिली प्रॉब्लम इश्यूज हैं. इधर भी फाइनेंशियल, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई नहीं है. वैसे कुछ ऐसा रीज़न था ड्यू टू सम सर्वल डेथ्स अक्रॉस आवर सराउंडिंग, सो वी डिडंट. दो तीन बार ऐसा हुआ, हम दो तीन बार मैंने ब्लॉग में डाला, दो स्टॉप में हम रुके हैं. बारिश चली जा रही है, रुकी जा रही है, हम रुकी जा रहे हैं. बारिश कितनी तेज लगी है, हम फिर भी इतने ज्यादा वो है, एफर्ट्स यू नो, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है. जब गाइस बारिश करो, देखिए गाइस बारिश लगी हुई है. बस भी अभी आधा घंटे का रास्ता रह गया है, मिलता हूँ अभी आपको आगे जाके. गाइस वैसे भी मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें हमारे पास सिर्फ 3 बजे का टाइम है और 2 बज गए हैं. वैसे रास्ता तो आधे घंटे का है, देखेंगे बारिश भी से ज्यादा तेज हो गई है. देखो ये देखिए, हम पेड़ के नीचे हैं पर इसलिए दिखाई दे रही. गाइस वी आर ऑलमोस्ट हियर. ये देखिए ना कितनी क्यूट क्यूट है ये वाले, वाह बहुत बहुत. गाइस बिल्ली पैसे आनी है, पिछले ब्लॉग में आई थी ये बिल्ली. क्या जी, हमने गणेश की मूर्ति घर ला दी है, ढक के रख दिया है. कल सुबह होगी, कल सुबह शाप 7:30 बजे स्थापना का मुहूर्त है. तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम करने जा रहे हैं डेकोरेशन. इस जगह होगी, इधर से लेके वो साइड पे कॉर्नर तक डेकोरेशन होगी, ऊपर से लेके नीचे तक. दो डेकोरेटिव आइटम्स ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, ये कल हम लाए थे बाजार से. फ्लावर्स, लड़ियाँ, डेकोरेशन के आइटम है बहुत सारे. गाइस आफ्टर लॉट्स ऑफ चेंजेस हमारा काम आधा हुआ. ये महक है, पिछले व्लॉग में मैंने शूट किया था पर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था. ये मेरी बहन भी है और बुआ भी है. ले ये जो वाइट पीछे, एज यू कैन सी, मैं ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं बताऊंगा. ये वाइट चादर है और चादर के पीछे एज यू कैन सी हमने नेट भी लगाया हुआ है. अभी ये लगानी है, इसके ऊपर और लगेगी, लाइटिंग लगेगी. अभी इसको भी स्टिच करना है. तो गाइस फाइनली 3 घंटे की मुशक्कत के बाद, जितना हमारे से हो सकता था, जितना हमने ट्राई किया था, इतने ट्राई करने के बाद लॉट्स ऑफ सजेशन हम गोना रिवील डेकोरेशन. गाइस ये जितना भी सामान लगा है, ये फ्लावर्स, लड़ियाँ, ये पर्दे वगैरह, ये सारा ही आइडिया बड़ी मम्मी का था
और ये सामान सिलेक्शन जितनी भी है लाई लोई, ये मम्मी ने लाई है सारी परचेज करके, जितनी भी फॉर एग्जांपल ये है जैसे तोरण है ये। पहले मेरे को बताओ कैसी लगी, क्या है सच सच बताना, रेट आउट 10 out of 10 से रेट करी, पीछे रुक जा, 9.5 से, ये सही है पिछले के हिसाब से तू, या दैट लाइक अ बॉय, या 7 हैं, इनसेट आंसर गुड रिव्यू। क्या घर की माँ जी, कैसी लगी आपको डेकोरेशन? बहुत अच्छी। कितना टाइम लगा, लोग सोचते हैं मेरे को झूठ, लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 6 घंटे 7 लगे। हाँ ये देखिए मम्मी आप। तो अभी बैक टू बैक वीडियो आएंगी, रोज डेली ब्लॉग आए करेंगे, सो प्लीज शो सम मोर रिस्पेक्ट एंड लव। अभी मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट के अभी बैक टू बैक ही पूरे हफ्ते भी लोग आएंगे, गणेश चतुर्थी की जितनी भी जर्नी होगी वो मैं शेयर करता रहूंगा। क्या आप हर एक व्लॉग में टोकते हो, मैं सारा कुछ व्लॉग में डाला करूंगा, पहले मैं एडिट कर देता था पर मैं खुद सारा कुछ डालूंगा, जो जब भी मेरे दिमाग में कोई भी बात आती है कि मैं ये शेयर करूँ कोई ना कोई मेरे को टोक ही देता है। तो मैं कह रहा था कि अभी बैक टू बैक ही लगातार डेली व्लॉग आया करेंगे, गणेश चतुर्थी की सारी जर्नी मैं कवर करने वाला हूँ। आप ऐसे ही शो ऐसे ही प्यार करते रहिए, शेयर करते रहिए। हाँ मेरे को याद है मरोली वाली जितनी भी जनता है प्लीज व्लॉग में हाजिर लगाया करो, मेरे को पता नहीं चलता कि मरोली वाले कितने देख रहे हैं और मेरे फैन कितने देख रहे हैं, मैं कि मरोली वाले भी फैन ही है, पर मेरे को पता होना चाहिए ना कि कौन कौन मेरा व्लॉग देखता है। फिर बाद में मम्मी को बताते हैं कि ये जो तू तेरा मूड आओ, ये जो तू तेरा मूड आओ, व्लॉग में बता दिया करो ना, अगर कोई गलती हो और कोई आपको चीज़ अच्छी लगे तो बता दिया करो, जो तीन इम्प्रेस कर दिए। फूलन देवी माँ जी, ये मैं बाजार से लाया था गाइस, ये क्या थोड़ा सा खराब होने के लिए है, अभी इसकी हम बनाएंगे माला गणेश जी को पहनाने के लिए, छोटी सी माला कोई। कैमरा मैन सिंह और वाहन चालक अनिकेत के साथ।